Baba! Kanda baba! Kualawa here, eh? To Kualawa kikiya me kar chike le khura. Ki hala bol? I gama ilo ho ta kuch suna lo baba. Nai. Ta sahem tu Kualawa bhar ho. Ha ha. Aba ise ise mungir lo ha ha karo ho. Baat ki ho se bol? Ego janiya apan mardanama ke kahale baba? अपने मर्दानवा के को हले रे ना 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 तो दूसर के मर्दानवा के कहते अच्छा की को हले कहा ले बाबा हाँ। देखा जी हम कह दियो जे घर में शौचालय बनल रह तो वह घर में अपन बेटी के ब्याह करबो जे घर में शौचालय बनल नहीं रह तो वो घर में अपन बेटी के ब्याह हम हरगिज नहीं करबो एक चाहे जे हो जाए हाँ बाबा अच्छा और बेटिया भी है बतिया बोला हाल की पापा हमरी वही घर है पापा हमरी वही घर है अरे तो कहन कहते रे अब तो गांवन के बेटियन पुतहियन पढ़ ले के लेना तो पढ़ता लिखता ना बाबा गावे गावे जे स्कूल वा हो गेले हो कहन भी के ना पता हाँ। कि बेटी बियाह हो उस घर में शौचालय हो जिस घर में हां चल अभी पूरे घूमे खो जा चल बाबा अभी बहुत गांव घूमे खो ए बाबा ए बाबा एक हम लटक जियो बाबा अरे नहीं 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 लटकियो अभी हम लटक जितियो बाबा तू कैसे लेवा का पता के चीन रहले जा चले ओहे बाबा थाखी जे मिलल खिना लुगा मामे चल चल आ प्रणाम बाबा हां प्रणाम में है प्रणाम में है प्रणाम में है ए बउवा हम तोहरा चिन्हियो नहीं हमरा नहीं चिन्हलो बाबा तोहरा चिन्हबे तो हमरा नाश्ता मिल जीते की नहीं बाबा चल लेकिन हम तोहन ही दोनों बाबा पोता के अच्छा से चिन्ह होइयो ओ कैसे कैसे बता दियो हां तोहन ही दोनों बाबा पोता होले जी जे पूरा बिहार घूरल चल लो गामे गामे हां बाबा ठीक चल रहा अरे तू काल में फाड़ ले हो अरे तोहरा से चलाक जब तोहर पोतवा हमें ना खा रही तो हे कल हो हां हां तू हमरा से पहले जन्म नहीं कि तोर बउजिया पहले जन्म लोल रे हां हां ठीक के पहचान लो ठीक के पहचान लो हमन ये दोनों बाबा पोता पूरा नवादा जिला के ठीका ले ले हियो ओहो अच्छा अच्छा आज घरे घरे शौचालय बनल हो ना लेकिन तू हमर बाबा के प्रणाम कर लो कोई बात है कि हाँ बउआ हाँ तनी बाबा से बात करे खाली अरे तो बाबा के छोड़ ना तू हमरा से बात करे ना जी हमरा से बात करे ना तू ए बउआ अब तोहरा से की बात करियो अरे तू अभी लड़का बच्चा का तभी खेले कूदे कुमार हको तोहरा भी समझ में नहीं तो जरी बाबा भेजा ने आई तोरा के अरे बाबा कन हम पतवा ये जी बाबे पतवा हो आई जी तो हम कहा कर ले तू जागेश्वर मांझी के पतवा हो हम बाबा भेजा ने जी तो हमरा से बोल हो जरी मन नहीं नहीं बाबा भेजा दे मैं भेज दियो ए बाबा अरे तोरा से बात जरी पतिया ले जाओ हमरा से की बात है बउवा बात ऐसा नहीं बाबा हां कि तू तो पूरे गामे गामे घूर चलो हाँ पूरे नवादा जिला घूर रही की बात है तोहरा नजर में का लड़का है बाबा पढ़ल लिखल पर तू हारम घूम रहा है बउआ सही पकड़ लो जा रहा एक मिनट अच्छा अरे पोता हाँ बाबा तोरा नजर में का लड़का है रे ई बार तू हारे में घूम रहल थी रे अच्छा बार तू हार रहल थी बाबा हाँ। लड़का बताइयो हाँ लड़का 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 तोरा के हम ही नहीं है बाबा हम ही नहीं है बाबा ये कितने सदिया करल सी हाल है तोरा भी उम्र हो रे तो भी 18 हो लो 18 साल में लड़की के शादी होबो 21 होतो ना तो तोर बारे में सोचो तो दो तीन साल हमें रुके पड़ते बाबा हाँ दो तीन साल अभी भाई से रहा तू तो दूसरा लड़का बताइयो हाँ दूसरा लड़का हाँ बाबा हमरा याद आ गेलो एगो लड़का है केजा एगो लड़का है बाबा केजा तो का पलवा पर चढ़ल है मैंने कहा है तो उससे बोलो तो बोलो के जा है तो के जो रखल रहा है बाबा मैंने कहे कि मैं तो वह कहा है हाँ मुखिया जी हैं बाबा अच्छा मुखिया जी के बेटवा हाले इंजीनियरिंग पास करके ले हैं हाँ और शादी ब्याह करे के पक्ष में हथिन मुखिया जी अच्छा उनका मुखिया जी भेज दो मुखिया जी हाँ भेज दो अच्छा अच्छा ए बउआ हाँ बाबा तू चल जा मुखिया जी के यहाँ अच्छा मुखिया जी के बेटा इंजन पास कल को तू कची इंजन मशीन करते रहो इंजीनियरिंग पास कर गलो इंजीनियरिंग ओहो अच्छा 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 हाँ हाँ जे हमारे पोतवा कह लो ने वही मुखिया जी के बेटा पास हो दू तला मकान बलोरो ट्रैक्टर जेसीबी हम बर तोहरिया बाबा ये कल ले जा रहा लिए है तजरी तू साथे चलता तो बढ़िया ले बस तू हरियम हम चलियो हाँ हाँ तो हमारे पॉकेट से 1 रुपये खर्चा नहीं होवे तोहरा 1 पैसा नहीं खर्चा होवे तो पोतवा से पूछ लियो कहा तो चलो
पूछला अरे पता हां बाबा बरतुहार जी हमरो ले जा दुन बरतुहरिया में अच्छा 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 तो की हन रे बरतुहरियन थी उन रे तो चिकन चिकन ने खाइल मिलो हे रे ओ बाबा खाली सु चिकन केन खा के फेर हम रहो धो धला तोरे का दिन बलास्ट कर दितो तो आज पूरा पंचायतिया घुरे के ठीक बा ले लो बाबा ओकर की होत है अरे समझ दे बरतुहार जी के ए बरतुहार जी हां बाबा हमन हे दुनहु बाया पोता के एको मिनट टाइम नहीं हको काहे अगर तोरा चक्कर में हमन ही दुनू बाप पोता अगर एने ओने कनो मनी चल गेलियो तो 10-12 गो पंचायत हमन के छूट जितो घूमे ले ए बउवा तो हमरा चलते तो बाप पोता पर काम काहे नुकसान कर रहा हां हां एक काम कर तू तू हमरा रास्ता बा बता दे मुखिया जी खड़ा है ना हम चल जी अच्छा देखो बता देंगे हां एजा से बाएं मुड़ जी अच्छा और फिर दाहिने मुड़ जी हां और फिर बाएं मुड़ जी और फिर दाहिने मुड़ जी और फिर ना किया के सोचे चल दिया हाँ प्रणाम मुखिया जी हाँ प्रणाम है आई मुखिया जी तू तो इतना गोसार लोग कहे जी बात क्या को सेन कहा जी हम तो हर गांव पंचायत के नहीं है मुखिया जी कुछ कह ला हमार गांव पंचायत के तू है ना नहीं तो कह ले हमार गांव पंचायत हम जी हम अपन गांव पंचायत के मुखिया ही है कि पूरा नवादा जिले में खिये से कहा नहीं मुखिया जी वो बात नहीं है तो कौन बात है हमारा पता चले तो भाई वो कुमार लड़का है हाँ लड़का तो है तो उहे पर तुहारी मान लियो हो कुट्टू मान है जी हाँ हाँ हमारा देखो हमारा कितना बड़ा मिस्टेक हो गलो हम लोग पंचायतिया ने लतरा के ले रहा को अब आओ महाराज बैठा हाँ अपने भी बैठी अपने भी बैठा 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 अच्छा अरे बुधना हाँ मालिक अरे भैया पर कुटू मर खिन हो हाँ तोरी का फेर थी ना हाँ 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 तो मालिक अरे एक लोटा पानी तीन चार कप चाय ले क्या हो तीन चार कप पानी एक लोटा चाय उल्टा सुनवा तू उल्टा हो गया मालिक अरे एक लोटा पानी और तीन चार कप चाय हो अच्छा 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 एक लोटा पानी अच्छा चार पाँच कप चाय जल्दी आए मुखिया जी हाँ जो बोल रहे हो तुम छोटका बेटवाल कौन की नहीं 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 नौकर वालो जी नौकर वालो हाँ चार चार का नौकर को से कहियो एक माई लप लप आ रहा लो एकदम तो तरमने छोड़ दे लो जी हाँ तो ग्रीनियो भाग गए लो जी महाराज छोड़ के तो क्या कर हो अच्छा थोड़ा नहीं सोने अपने पर्चे बता थीन कहाँ से थीन है की नाम हलो अपने के हम देखो तोरा ये जे ये बागी बगी यहाँ से अच्छा अच्छा हमार नाम होलो जागो मांझी जी हाँ अच्छा अच्छा तब मुखिया जी इन साल अपना बेटा के शादी करे पछवा दे ना अपने हाँ हाँ जागो लाओ शादी करे पछवे देखो है ये ही देखो ये ने हम बन गए लियो मुखिया ये मुखिया जी हाँ इत सब तोरे पंचायत के अकुल हाँ हमरे गांव के गाड़ी हल्ला करो कुल बुतरुवन जी ए बुतरुवन कोई हल्ला नहीं करेगा सब मत बुतरु मोहब्बत करे हमरे कुटुंब वाला खुल चुप चाप रहिया सब नहीं तो कुटुंब भाग जी थुन हल्ला करनी तो सब चुप चाप रहिया कह के मतलब है जागो जी कि तो कोई ने हम बन गलियो मुखिया हाँ भाई अब डॉक्टर बन गलो इंजीनियर आइए तो सदियत कर रहा है ये है आ कुटुंब देखो दू गो चार गो रोज आ रहा थी रोज आ रहा थी अब आज तू हो इला है तो लड़का घर दुआर देखा अगर बात बात विचार होते हो कि देखा मुखिया जी लड़का या घर दुआर सब हमरा देखा लो सब चीज पसंद हो पहले पता कर ला हाँ अच्छा लेकिन जरी सुख लेन देन के बात हो जितना मुखिया जी तो बढ़िया है देखा जागो बाबू अब जहाँ तक लेन देन के बात है को तब तू हमरा ही चले ला ने तब तोहरा एक रुपया तिलक नहीं लगतो हमार पंचायत पूरा जाना को फ्री में एकदम तिलक दहेज के विरोधी आदमी है जी विरोधी एक रुपया नहीं लगता तो इसलिए तो खोजो रही जी देख लो हमार की रुतवा यहाँ है हाँ भाई ककरो तो शादी ब्याह में अपना भीड़ न हो जी आ तू अभी पर तू हारे लो हमरा ही सब भीड़ लगे ले आखिर हाँ भाई तो देखे रह लिये भाई मुखिया जी के अरे सब जड़ी फोट देखे हमरा जी पकड़ के ठप ठपा देखे सब मुखिया बन गलियो से तो से है कहिए मुखिया जी के मुखिया बनना इतना आसान है भाई तब तो जनता पूरा तोरा सहयोग कर घूम मुखिया हाँ 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 कभी ना को तो हमरा तोरा एक रुपया नहीं लगतो तो जाइयो कार्ड उठ छपा देबो एकदम छपवाला तू लड़का का स्वागत कर भंजे अब देखो ऐसा तू बात करो हम मुखिया जी अरे भाई एगो तू हमरा तिल लख नहीं ले रहा है हाँ 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 जी तो लड़का वो स्वागत करे तक हमरा औकात नहीं है जी तो बस बस तू लड़का के खाली स्वागत कर दिया बस हो गए आपकी तो तोहरा करना कुछ ना को जाना तोहरा करना कुछ ना हो अच्छा। बस इतना करना है देखो लड़का है इंजीनियर
तोरा चढ़े लोग स्कॉर्पियो दे दो कोई गाड़ी फोर व्हीलर सुन लो कि नहीं ओकरा गियरिया में पेन्हे ले 20 भर सोना दे दो कल आई हमर पंचायत के टोटल जन्नी मर्दाना सब बराती चल जीतो एक कोने रुक थो जी सब चल जीतो वह बराती जाए 5 लाख रुपया दे दो कल तुम्हारा एक पैसा नहीं हमारा 1 रुपये चाहवन करी जी अब तो तू अपन बेटिया के की देवा गोदरेज अनवारी टीवी फ्रिज तोरा हम मना ना करबो ये मुखिया जी ई लेन देन के बात तो बाद में भी हो जीते अच्छा ऐसे हम एलिए तो तोरे पर कमरिया कसिए के नहीं लिए जी तो सन के तो जरूरत भी है जी अच्छा छोड़ा ने हाँ लेन देन के बाद बाद में करबे हमनी अच्छा लेकिन एगो बात कहियो बोला नहीं एगो दू गो बोला हमरा सर हम लोगो मुखिया जी कोई शर्मा के बात नहीं है सब हमरे पंचायत के अखेरे बोलला बोल दियो हाँ बोला देखा मुखिया जी हाँ की बोलो ने हाँ कि 3-4 दिन से जे हको ने हाँ हाँ हमार पेट बड़ी गड़बड़ चल रहा है पेट गड़बड़ चल रहा है हाँ हाँ तो डॉक्टर बुला दियो नहीं नहीं डॉक्टर नहीं तो देखो ने तोहरा ये लियो ने हाँ आके हमरा लग गलो लग गलो हाँ कुछ लग लो जी अरे सब चाय के व्यवस्था करा जरी हाँ पैखाना लग लो जी हाँ। अच्छा 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 तुरंत 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 अरे बुदला बन गए चाहा मालिक बन गए चाहा अरे चाहा झाप के रख दे हो काल मालिक कुटुंब जी का पैखाना लग हाथ हो रहा के आज दिन लगियो गले तुम हंसक की बात है रे सुन ऊपर की मालिक अरे तू कह डॉक्टर बने पनिया नहीं एक लोटा तो पतला पैखाना हो रहे मालिक बड़ी बदमाश है बड़ी जल्दी पनिया लगे पतला हुआ की मोटा हुआ तो जरी आधा घंटा बर्दाश्त करे कौन मालिक तुरंत ले क्या रही हम इतना बदमाश है कौन है मुखिया जी हाँ तू एक लोटा पनिया कहीं मंगा लो जी और महाराज तभी कलो जी वो पैखाना जी तो पैखाना जी वही बाल्टा जी हाँ आज तो रखे तो तुम्हारे तो घर में शौचालय बन ले को जी तो जी कल ना शौचालय ये ना वही ना महाराज आ गया ये ना बन ला जरी बता बात ऊपर दी देख लो है ना जा रहा को जी हाँ हाँ दे जा नहीं लो दे लो ना हाँ 80 बीघा का पल्ला उठा हमरा है जी तुम्हारे है हमरे है अच्छा आई गाना के ऊपर दी 55 बीघा का पल्ला उठा बगीचा लगे ले आम अमृत केला सुन लो तुम्हारे हाँ अच्छा। आई पट्टी 56 बीघा कहा का मतलब है दिनेश बाबू ये हमारे गांव के जितना जन्नी मरद बुढ़ा बुतरू हकून संझिया भोरे और कभी कभी दोपहर हो गई जी लोटा ले लेके को बिना लोटवे चले खून ये सब बैठ जी तुझे तो हम लोटवा उठावा और चल जा कोई बोला ना महाराज सबसे दुनिया थम रहे जी महाराज तैखन तोरा बोलते शरम उरम नहीं लगो तेरे को सुख जी कहा तोरा झूठ बोल रहा है जी बताओ जी 52 बीघा ने हमरे हको आये 56 बीघा ने हमरे हको आ घर में छोटे को शौचालय रोजी नहीं हको आ मुखिया बन गया जी महाराज तैखन अरे ऐसा जगह थी तो पर तुम्हारे नहीं थी जी तुम्हारे घर में शौचालय नहीं हको हम बेटी की शादी नहीं करबो जाइयो पर नाम मुखिया बन गया महाराज वो शौचालय कुटुम कुटुम चेहरा पूरा चेहरा बनल है चेहरा चेहरा केकर कुटुम जी आज तेरी अरे कैसा है कुटुम दो राजा को पानी स्कोर दो भैया तेरा कुटुम बने बम जी आए अच्छा हवा पानी अपन कमा का पिला दिया तो हर घर में शौचालय नहीं हको हम बेटी की शादी नहीं करबो जाइयो आ वो बाबा पता मिल जाए तेरे हमरा तो अच्छे से बता देबे हां अरे मुर्गा की हाल मालिक अरे कुटुम मत बढ़कर झटका देकर चल गए हो झटका दल को की पलका पटका दल को मालिक अरे तू हल्ला नहीं कर यहाँ सुनने की रहा ये पंचायती हम हल्ला कर दो मुखिया जी के बेइज्जती करके चल गए कुटुमा नहीं नहीं पहले शौचालय बना ले तब बेटा के शादी करो पूरा बड़वा सब के कही अपन अपन घर शौचालय बना लेते हैं हाँ मालिक तो आज शुरू कर दे हाँ हाँ ऐसे एकदम शुरू कर दो शौचालय बनवे ले पूरा गाँव के बना देना है ना हाँ 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 पूरा के बाबा चलो ने कहना पिछवा गया बाबा कोठवा पर ही अरे तू कभी कोठवा पर चढ़ जा कभी तू कोलवा भूल जाओ ये है ना बोल आगे लिए ये गामा आइल हो तो हमरा देखल नहीं हको ये जे तक बस वहां हमरा ये दे तक देखले हको हम समझ गए ले पोताराम हां जंगला हेलक बारी ले तो तोरा रास्ता नहीं देखल है नहीं बाघ सियार भाल मिलते तो बवख ने चिबैते रे ऐसे भी तो तोहर उमर या हो जाए गेल बाबा हाँ कोई दिक्कत नहीं है अब मामा घर हम तोर झाल बजे तो बैठ के आ अब डेरा है बाघा से आओ नहीं बाबा सुन कोई बात नहीं है बाघा के साथ हम लोग आइए बाबा आओ बाबा मिल जाए पता दोनों बताओ जैसन घर में रबर तुम्हारे भेज देते अरे यार क्यों घर में शौचालय नहीं बना ले बताओ सर घर में बेटी की शादी करवाए बेटी की शादी सर घर में शौचालय नहीं दो चल चल आई जी तू जी तो इनको हरगे तू कोचे की बात कर तू की बाबा बन रही है
पोतवा तोहर मिर्गी फड़का बोक हमारा मिर्गी फड़का बोल के बाबा तुम मैं को पकड़ा देख रहे बाबा समझाए पोतवा के कहा बच्चा को छोड़ दे बुद्धू को मिर्गी भर का कुछ नहीं आव है एक भैंस के कर ले दूध पिला रही शरीर को भाई दे रहे शरीर देखे बाबा ए बउआ हम पोतवा के माना कर रहे हैं नहीं तो ले जाके तलैया में ठूस दे तो तलैया ठूस देते तो बात की है महाराज जी तुम्हारा कैसा घर में भेज दे जी तो मुखिया जी खाए नहीं पूछल को बउआ खाए तो पूछबे कलखिन महाराज तो मारपीट के मारपीट कहल करथिन जी तो अरे उनका घर में शौचालय बने रहे तुम्हारा भेज दिलो शौचालय अरे पोता हाँ बाबा मुखिया जी ही शौचालय नहीं हले रे हाँ तो रह के हे सब पर तू हाथ जी इतना दहिया तीर रहे बाबा तो हम हूँ दलिए कस के तीर अभी तो महाभारत हो जीतल बाबा महाभारत की रामायण हो जीतो हल ऐसा कहम बाबा हमरा से गलती हो गेलै आ तू जाके देरी से माफी मांग लो माफिया अरे तू गलती के लिए चल भी हम माफी हट ले हट ए बुआ ए बुआ ए बुआ ए बुआ तोहरे पोतवा नहीं बाबा तोहरे पोतवा नहीं हो हमरे पोतवा रे हम की भगनी मांझी पोतवा ही तोहरे अच्छा अच्छा हां तू अरे तू लार जा हम ना घुरा हां अबरी मैंने घूम जाइयो हां घुरा मैंने घूम जाइयो ए बउआ हमरा की पता है कि मुखिया जी शौचालय नहीं बना ले गलती हो गलो बाबा पोता से गलती हो गेले हां हां अच्छा ठीक ठीक लेकिन ऐसा गलती दोबारा नहीं करो खल बाबा ना तुम ही जरी सोचो बाबा कि हम बेटिया के शादी करके स्कॉर्पियो से या बोलेरो से भेजबे ससुराल और वहाँ भोर होता है और लोटा लेके अचल जीते खेत ने तो की इज्जत रहते हमारे बाबा एको पैसा भरने बउआ एको पैसा भरने रहते कोई इज्जत नहीं 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 अच्छा वो करूँ बाबा तीन दो पहाड़िया रात अधरतिया चोर लुमेड़ा के सांप पीछा के बाहर में शौच करे कितना दिक्कत है हाँ हाँ बुझलक बेटिए के करे तो वह काट लेल कर रहती हमें समुहा दिया फेना भी गोले बुआ देखो रहले हाँ 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 यह सैसन घर नहीं बताइया नहीं एक घर में शौचालय रहते बाबा वैसने बताइए तो हम अपने खोज लेवे हाँ हाँ जाइए हाँ जा प्रणाम ठीक है निकला ए बाबा चल हमारी ए बाबा एगो बात में हमारा समझ में नहीं बाबा मुखिया जी सब कुछ ठीक है बाबा घर दुआर गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद कोई चीज के कमी नहीं है बाबा कि जरी गो शौचालय चलते पर तू हार जाता भाड़ा कह रहे बाबा शौचालय जरी गो बात है शौचालय नहीं रहे से कितना बीमारी फैल रहे जहाँ तहाँ पैखाना करे से गंदगी से तोरा बता दियो बरतुहार जी के घर के कहानी बरतुहार जी के घर में कोई न कोई बीमारी रोल रे कभी पेटवा तो कभी बेटिया अच्छा, तो कभी मैवा तो कभी भाईवा चल तोरा रास्ता चल चलते चलते कहा चलो बाबा चल 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 जल्दी चल अरे कोई चीज होले होले जन कस में खेल रही है की होले देखो बेटे को उल्टे पैखाना रो पानी में हाहा पिया को उल्टे पैखाना हो रहे है तो हमर मुहा की देख रेखा सन हरे हमर मुहा देखे परसल बैठवा चल गेलो आ की करे इस होड़ी तो बार बार ऐसी होते रहो की करियो हो रहा जाकर अभी नशा पोषक बुला झरवा दियो हैं ना जी वो अच्छा कर दे तो तारा सोचा तो डॉक्टर साहब को बुला लियो हाँ जल्दी जाओ अकेले डॉक्टर साहब उधर की चल कर फिर वो सलीगल आते जाओ हाँ जल्दी जी अच्छा अच्छा अल्लाह जो बोलो दिल समाह रखना भगवान भी हमरे गरीब के तो हो जाओ फूल ये को नहीं ठीक हो तो कि ये को पड़ जितो हे भगवान डॉक्टर साहब के खिड़की है तो खुल ले है ए डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब अरे कौन है जी हमें ये डॉक्टर साहब जल्दी चलो हमारे बेटे का मन खराब है कहे लग बकाल आ रहा है बड़ी सीरियस में है डॉक्टर साहब अरे तू तो रोज चलाता है एको दिन बाकी रहता है की करबो डॉक्टर साहब हमरे गरीब के दहजो भगो लावन बेगवा टांग लई चलो चलो ई बेगवे टांगते टांगते तो हमर आधा उम्र बीत गेलो है हां जो बचा लोग लोग एकरे पार हो जी चलो 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 आवा आवा डॉक्टर साहब लपक के इधर जरी आई लपक के क्या आवेंगे दौड़ के आवेंगे आवा चलो लपक ले इधर जरी डॉक्टर साहब लपक लावा लपक के जाए मकनपुर ने घर है जी हाँ 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 रोडवा पर पैखाना करवा के धर दिए दोनों तरह पी क्या किए डॉक्टर साहब गामा के भूतारुआन डॉक्टर साहब बड़का ये कौन बैठते रोडवा पर
अब बड़का कहा जाता है जहाँ बताते हैं बड़का नहीं बैठता है। अरे तो बड़ा बुतरु लग रहा है कि एकदम यहाँ से वहां तक गंदा करके रखे। एक बार घुमा। अरे आप लोग चलते कैसे हैं रास्ता में सेन बताइए। हम अनिल तो आ गए डॉक्टर साहब। आईडियो के लिए देखो ऐसे आधा सोल ले चल करियो। आ गए डॉक्टर साहब। हाँ आ गए। देखो इन बेटे को उल्टिया पे खाना लो पानी में हा हा पिया को। एक एक बाल्टी पानी पी जा को डॉक्टर साहब। एक एक बाल्टी। एक एक बाल्टी। हाँ भैंसा है ये गजब आदमी है कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा देख लेते हैं, अब देख लेते हैं। अरे इसको तो डायरिया के साथ साथ निमोनिया हो गया जी। अरे हारमोनिया हो गए जी। हारमोनिया हो गया। ज्यादा सुनाई पड़ो है। हारमोनिया हो गया डॉक्टर साहब को लेके हो गया निमोनिया गया। हारमोनिया सुनाई पड़ो है। दोनों आदमी चौंकते लग रहा है। एगो कहती है हारमोनिया वो कहता है अल्मोनिया। अरे अल्मोनिया नहीं हुआ पित्तर हो गया पित्तर। अल्मोनिया से काम थोड़ी चलेगा। बीमारी का नाम है डॉक्टर साहब। बता रहे हैं कि निमोनिया बीमारी हो गया है तो अल्मोनिया कहता है या पित्तर कहता। दोनों आदमी का जैसा लक्षण है ना ये सब होते रहेगा। की लक्षण है डॉक्टर साहब? की लक्षण है? बड़ा मुस्कुरा रही है। अभी आपका गांव आ रहे थे मकनपुर तब पूरा रोडवे के दोनों पट्टी पैखाना किया हुआ है। आज जब आपका घर आए तो वही दशा है। घर तो साफ सुथरा है ये डॉक्टर साहब। घर में साफ सुथरा है? हाँ। अरे वो पानी गिरा के क्या रखे वो क्या है जी? ये डॉक्टर साहब। हाँ गड्ढा बनाया अंगना में। ये को लोहिया पटिया को। अरे लोहिया पटिया तो हम देखिए रहे हैं। तो ये की हो ना कि लोटे लोटे पटिया धोतो ना डॉक्टर साहब तो ये अंगनवा जरी किच किच हो जा लो पनिया से तो उन्हें एक चौना देखो खान दलियो पटिया तारी और जितना मसल वाला पनिया से जमा हुआ को डॉक्टर साहब उन्हें गहरवा में हुआ को मतलब कि वो गड्ढा बनाया है। अरे वो तो उसमें तो लग रहा है कि कीड़ा हो गया है जी। वो तो लगता है कि आपका मसालवो में पिसा जाता होगा। हाँ हो पिसा के रोकिए का दिलो। नजर तो नया हुआ है जी। नजर नया हुआ है डॉक्टर साहब वो की हो ना ये अगर पिसाइयो को मान जो एक आगो तो सब्जी अब सोवधिया जरी बढ़ जाको डॉक्टर साहब। जब आदमी है आप कुछ समझ में नहीं आता है आप कह रहा है कि सब्जिया में पड़ जाता है सवाल। अब ये तसला में खुला क्या छोड़े हैं जी? रोटी खा पी के बच गो बाल बच्चा से बासी कुर्सी तो हमने बाले बच्चे सूती उठी के पा गई अभी तो खा ही जा रही हल कि छोड़िए के मैया के पापा करे लगे तो गिर दौड़ तो अभी हाथों ने धोलियो डॉक्टर साहब। बासी भात खाते हैं और वो भी खुला छोड़ दिए हैं। और वहाँ क्या है जी? अरे वो क्या है उधर? डॉक्टर साहब छोटके बेटा पैखाना कर दिलको। बड़ी आराम से करे पैखाना कर दिलको यही पर करवा के रखे। तो जैसे नलियों में बैठा दुबरी में बैठा जरूरी है आए? ये छोड़ा देखो ये हाल वही है छोड़ा। तब ले हमने एक बच गए डॉक्टर साहब तब ले बैठ गए जो दुबरी पर ही। गजब हालत है आप लोगों का। मतलब कि यही पर खाना। अरे इधर देखिए इधर। हाँ डॉक्टर साहब यही पर खाना और यही पर पैखाना। बाहरे जनाना बाहरे मर्दाना जरा सा कुछ नहीं लगता आप लोगों को? बीमारी किसको होगा? यह सबसे हुआ डॉक्टर साहब बीमारियाँ। पता नहीं है कि गंदगी के कारण बीमारियाँ होती है? दवाइयाँ दे दो डॉक्टर साहब देखो बेटियाँ मुड़िया ने ऊपर कर रहे हैं। अरे दवाई तो हम दे देंगे आप लोग जिंदगी भर दवाई खाते रहिएगा अगर ऐसा हालत रह गया तो। लीजिए खिलाइए दवाई लीजिए दिए दवाई इसको लीजिए ले बेटी ले खा ले। देखिए फिर गलती कर दी। अब देखिए की डॉक्टर साहब अभी उल्टी की थी वही हथवा से पोछी कैसन जननी है अब फिर वही हथवा से खिला दी। आए हो तू हाथा कह ले तो हाथा तो बन नहीं जाए पड़ते हल अरे पानी ले धो थे जरी अजी जल्दी जल्दी मैंने खिला दे लीजिए कि बेटिया जल्दी अच्छा हो जीते। की करबो डॉक्टर साहब माय के रे दिल है। अरे जल्दी जल्दी खिला दे के बेटिया तेरी जल्दी बेस हो जीते। अच्छा आप जल्दी जल्दी में पैखानो खिला दीजिएगा ठीक है रोहन डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी पैखानो खिला दे। दोनों आदमी कान खोल के सुन लीजिए खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए और शौच से आने के बाद भी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए खाना बनाने के पहले भी और बच्चों का मल साफ करने के बाद भी साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए। ये जर्मनी क्लियर हो डॉक्टर साहब? क्या देखो गलियो शौच में बाहर गलियो खेत ने हाँ अपना फ्रेश होके लियो आराम से
इतना मट्टी लेकर के आप आओ जे बैठ करके चपाकल पर बाले बसे लुलवाता लगड़ लगड़ के धो लियो ऐसा कमी नहीं करो डॉक्टर साहब। अरे मिट्टी से तो कभी धोना ही नहीं चाहिए, काहे मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाता है। हाँ जी मिट्टी में बैक्टीरिया पाया जाए जी। ए, हम पहले जरा थे तू बहिर सुनाया था थोड़ा लेबन करती और गलत थी तू सर हमें डॉक्टर साहब बैटरी करल के है। अरे बैटरी नहीं बैक्टीरिया का मतलब होता है कीटाणु जीवाणु समझ गए ना पिल्लू पिल्लू। हाँ हाँ अगर आप मिट्टी से हाथ साफ करते हैं तो वो हाथ साफ नहीं होता है बल्कि उसमें बैक्टीरिया लगता है आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है और वो भोजन के माध्यम से पेट में जाता है तरह तरह की बीमारियां फैलाता है। ओहो समझ गया ना। अगर आपके पास साबुन नहीं है तो राख से धोइए। देखो देखो डॉक्टर साहब अभी तो साबुनिया का नाम ले लो ना तो हमारा याद आ गलो जल्द से तू दो मिनट रुका जल्दी पूछे दे हमारा। आए हो तोरा हम 5 महीना पहले एगो 5 रुपए लाइफ बॉय साबुन लग दिलियो न तो खत्म कर देनी तो ही बताओ डॉक्टर साहब इतना सारा बाल बच्चा में 5 रुपए साबुन 5 महीना चलते। अरे हम तो कोई 5 साल चला बेले तुम्हें बताओ डॉक्टर साहब कि 5 रुपया आदमी कितना महीना से कमा है जी ऐसा कुछ बुझा है ऐसा कोई डॉक्टर साहब। अरे साबुनिया जरी ऐसे से लगा ही रे ऐसे ही से आई मार तो वैसे से लगा ले तो जल्दी खत्म हो जाए डॉक्टर साहब। अच्छा 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 अगर आपके पास साबुन नहीं है तो बिगड़ने की बात नहीं है समझ गए ना। ये आपकी पत्नी ने है जी हाँ तोहर पत्नी है को। अरे हम पूछ रहे हैं वही बात पूछ हाँ हाँ हमरे तो वही बतिया पूछ रहे हैं आपको ये जरा प्रेम से बोलिए जो भी बोलना रहे जरा बढ़िया से बोलिए समझ गए ना। हाँ हो अच्छा तो अगर आपके पास साबुन नहीं रहे तो मिट्टी से हाथ कभी नहीं धोइए राख से धोइए राख से राख समझते है ना चूल्हा वाला बनिया ने डॉक्टर साहब। हाँ हाँ चूल्हे वाला बनिया नहीं चूल्हा वाला बनिया नहीं गैस वाला बनिया। अरे आप तो बिगड़ बिगड़ के बोलते हैं जी ए, अगला साल जो शादी किए थे आप लोग वही दोनों आदमी हैं। हाँ पेपर में पढ़ लो ना। हाँ पेपर में आया था। हाँ। अच्छा कौन सा शादी किए थे उस समय दो शादियाँ काहे लग उगते हो डॉक्टर साहब ऐसा देखो बतिया अगर खोद दे लो ना। हाँ तो हम तोरा बता दी अपन शादी की कहानी। ए बच्चा चुप ए भाई हम कहानी सुनबे डाली अपन शादी के ध्यान से। ए बच्चा हल्ला नहीं करना हम नहीं दोनों जो शादी करियो डॉक्टर साहब। हाँ वो लठिया उड़ान में शादी करियो एकदम लठिया उड़ान शादी। हाँ वो कैसे होता है पहले देखो लव मैरिज के लिए दोनों लव मैरिज। हाँ अच्छा ओकर बाद जाके कर लेंगे कोर्ट मैरिज। ओह अच्छा अच्छा तब तो एकदम पक्का हो गया होगा। पक्का के साथ साथ पलस्तरा भी हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा हम समझ गए बात। हाँ यानी कि बाल बच्चा भी है। हाँ है ये है कई गो बाल बच्चा है कहाँ ढेर है को डॉक्टर साहब भगवान के कृपा से सात गो बेटा 5 गो बेटिया नहीं जी। हाँ, हाँ, आपको पता भी नहीं 7 गो बेटिया 5 गो बेटवा को। अच्छा वो भी कम लग रहा है क्या। हम तो सोचा लिए डॉक्टर साहब की 2-4 गो हो जीते हैं ना। हाँ बुढ़ापा का सहारा जरिए हमारे को। अच्छा तो फिर क्या हो गया फिर ये मना कर दल को ना आओ तब कैसे हुआ फिर जाके हम हॉस्पिटल में भर्ती होकर नसबंदी करवा ले लियो। वाह बड़ा समझदार आदमी है यार। हाँ हैं पढ़ल लिखल भी हैं। हाँ डॉक्टर साहब पढ़ा लिखा तो ही है। कितना पढ़ा लिखल है पढ़ल लिखल हम इतना ही हो डॉक्टर साहब। हाँ कि हमार गामा पंचायतिया प्रखंड में कोई आदमी उतना पढ़ा लिखल नहीं है को। ओ तब तो बढ़िया पढ़े लिखे हैं। हाँ माने कितना पढ़े लिखे देखो बता दियो तीसरा क्लास तीसरा 3 बार फाइल करके और 4 बार में पास कर गलियो। बा तो बड़ी मेहनत किए हैं 3-3 साल। अच्छा अच्छा अरे आपकी पत्नी ती कहते हैं को है ये मुश्किल से लगो को घीस तीर के मैट्रिक पास कर इनको हाले। ओ आप ही ज्यादा समझदार हैं ना। देखो ना लुरियस के ज्यादा फेरो है। हाँ हाँ अच्छा सभी बाल बच्चा को साफ सुथरा रखते हैं ना। सब साफ सुथरा रहो हमारे बाल बच्चा। देखो ये बेटिया अगर बैठे जाया ये हमारे बेटिया बड़ी बेस हको आई बेटिया ही नहीं देखो ये नहाए में एकदम टेक्का हको। अच्छा ये कहो के बेटी नहीं नहो नहीं नहो। हाँ लेकिन नहा ले तो। अच्छा लेकिन बीमार नहीं पड़ तो दर्जन बीमार पड़ तो। अच्छा कौन छोड़ा के 10 दिन से कहे नहाए ले नहा गया पन्ने कर दो छोड़ा के नहीं नहा ले समय वाले। अरे तो बेटिया के मुँह मिल रहा है मैया में तो मिलते नहीं डॉक्टर साहब। आओ बेटवा के तो आप में मिल रहा है ऐसा नहीं बोलो डॉक्टर हमारे मन में तो तोहरा मिलते
अरे हाँ वही कह रहा है वही कह रहा है। तो सबको साफ सुथरा रखिए। आगे बैठी आगे पढ़ के इन्हें तो ड्रेस में खोल लेते ताकि कक्की पहन के जिम आए भुला ले सबको स्कूल भेजिए और सबको साफ सुथरा रखिए। और एक बात आप जानिए, अच्छा एक बात और बताइए, ये तो सब कुछ ठीक है लेकिन आपके घर में शौचालय है कि नहीं? शौचालय डॉक्टर साहब, अब शौचालय की बनवाइए डॉक्टर साहब, एगो टीम टीम कमाए वाला ही हो और 10-12 को खाए वाला, ऐसा छोड़न के खाना खिलाइयो और घर पे खाना बनाइयो। लेकिन अब तो सरकार शौचालय बनाने के लिए, अगर आप शौचालय बना लेते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि मिलता है 12,000 रुपये। 12,000? हाँ अरे तो बना ले रखी। हाँ जी ऐसा करवे जी के गाँव में सबसे पहले हमारे बने। हाँ देखिए आपकी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, समझदार हैं, इनका कहना है कि पहले हम ही बना लेंगे तब गांव वाला बनाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि सिर्फ आपको बनाने से नहीं होगा, पूरे गांव के वार्ड के सभी लोग बना लेंगे और खुले में एक भी आदमी शौच नहीं जाएंगे, तब आपका गांव स्वच्छ गांव कहलाएगा। समझ गए ना? हाँ। खुले में शौच से मुक्ति गांव कहलाएगा। हम अपन वार्ड में बनवा दो डॉक्टर साहब। रजवाड़ी टोला हमारा को इतना सब है। अच्छा हम सबके बनवा दो। यानी सबको कहिएगा। हाँ समझाइएगा। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो अब खुले में शौच की प्रथा समाप्त हो रही है। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत तय किया है कि एक भी आदमी खुले में शौच नहीं जाएंगे। समझ गए ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब। और इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। ठीक है हम बाद में मिलेंगे तो और बताएंगे आपको। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। ठीक है प्रणाम। अब हमारे घर तो आगे जरूरत नहीं पड़ते डॉक्टर साहब। कैसे? अब तू इतना बढ़िया बढ़िया बात बता दे रहे हो डॉक्टर साहब। हाँ तो हमारी बीमार पड़वे कहियो डॉक्टर साहब। नहीं अब देखो सरकार के तरफ से देखो गैस कनेक्शन मिल लिए गए हैं। हाँ हाँ देखो नल भी लगे वाला है। बिल्कुल आए डॉक्टर साहब। हाँ। तो शौचालय भी खारा बनाइए ले भाई। हाँ। तब गोल बीमारे पड़ते हैं तो तू काहे ले मलकिन एक मुंह देखे ले। अरे आप तो गजब नहीं डॉक्टर साहब, वो गलत नहीं समझे। देखो हमारे घर में को मरीज में रहते। हाँ। तो तू काहे ले वो। हाँ ये बात ठीक है कि अगर बीमारियां कम होगी तो डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी। जी हाँ बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है हम चलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम प्रणाम। देखने रे? हाँ बाबा तुहार जी के घर के कहानी देखने ने। हाँ कैसे तो जल्दी जल्दी में डॉक्टर साहब आ गए बाबा। तो अगर बेटिया बचवो के लेने तो ऊपर चल जाते मैदान हले। देख ले डॉक्टर साहब बतल तुमसे बतेबे कैसे। हाँ। हम तोरा बता दे कि तीन चीज पर्दा के हो। कोची कोची बाबा गिने उड़िया पर। हाँ। खाना खाना जनाना जनाना और पैखाना। पैखाना बाबा। हाँ तीनों पर्दे की चीज है। अच्छा अच्छा तो दो चीज करीब करीब पर्दा में हो। कोची कोची खाना या जनाना। हाँ। लेकिन पैखाना अभी पर्दा में नहीं है। नहीं नहीं यहाँ पर वहाँ लोग कर दे। हाँ करिए लिए हमारे को उपाय सुझाओ। क्यों उपाय सुझाओ? हम 4 बजे भोर उठवो। 4 बजे उठवो दोनों उठा दो। हमरो उठा दो। हाँ तू 8 बजे सुता। हाँ हाँ कभी कभी मर 10 बजे हमारे वाला लठिया। हाँ हाँ जब भीतर के कोने में रख लो तेरा पीला। हाँ वो तो हाथ हम थमा दो। बस बस बाकी हम समझ गए वो लठिया लेके बाबा जगह देखो खेत में खरियान में हरा किनारे रोड के किनारे लोटा ले लेके बैठा पैखाना करते ऐसी गाँव के बाहर कर दे। एक गो के बेस से बैठ के नहीं कर दे बाबा। नहीं तो फिर कहवे बाबा कि अपन अपन घरे में शौचालय बना ले। एक खातिर तो सरकार भी 12,000 रुपया अनुदान राशि दे रहा है बना के घरे में बैठे दिन भर खटला बिछा के पैखानवा में खाटला रहते बाबा। तब पैखानवा में दिन भर बैठल रहते रे बैठका है रे। एक मतलब है बाबा कि जखने लगते न तखने ओकरे में घूर जीते बाहर एने ओने कहल जीते। तो ऐसे बोल है वो है बतिया बाबा। एक बात आ हमर गेठी हम तू बांध ली है। हाँ। 2 रोगों की एक दवाई हरदम स्वच्छ रहे मेरे भाई। 2 रोगों की एक दवाई हरदम स्वच्छ रहे मेरे भाई। मेरा वादा स्वच्छ नवादा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।